सब 20,000 के साथ होगा कि बिना 20,000 के साथ? बिना 20,000 के साथ। सब 20,000 के साथ होगा कि बिना 20,000 के साथ? बिना 20,000 के साथ। नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी ऑनलाइन पेज सेगमेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करेंगे पंचायती चुनाव का असर हर कोने कोने में दिखने जा रहा है। प्रश्न उठता है कि हर व्यक्ति अपनी किस्मत, मैं तो एकदम खुले मंच पर यह कहता हूं, हर व्यक्ति अपनी किस्मत को आजमा रहे, क्योंकि वोटर की किस्मत से किसी को लेना देना नहीं है। इसलिए मेरा सवाल जो होता है, हम तो तब तक पूछेंगे जब तक कि किसी गांव का विकास पूर्ण रूप से नहीं दिखता है। हम तब तक पूछेंगे चाहे पक्ष की बात हो या विपक्ष की, मेरा काम है पूछना। और इसी पूछने की कड़ी में आज हम रघुनाथपुर पंचायत के अंतर्गत अनेकों उम्मीदवारों से मिलने के दौरान मोहम्मद अकराम जी के बीच हम आए हैं। पहले तो हम लोग उनका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कैसे हैं? ठीक है। हमेशा समाज में लगे रहते हैं। जी बिल्कुल सही बात। अभी क्या लगा कि घूम के इधर से आए आप? पर हमको लगा कि सही आदमी का जरूरत है समाज में। तब आप शिक्षा कैसे बांटिएगा, इधर राजनीति करिएगा? तो शिक्षा भी नहीं, एकदम स्पष्ट कहिए, धनबाद दौड़िएगा, बाघमारा दौड़िएगा, या क्या करिएगा, कैसे इसको मैनेज करिएगा? शिक्षा में भी हम कल्याण कर रहे थे और राजनीतिक में भी कल्याण करेंगे। यहाँ राजनीति में सब अपना कल्याण करता है, अपना ही करिएगा ना कल्याण? नहीं नहीं, पूरा रघुनाथपुर पंचायत का सबके लिए कल्याण। आदमी को दिग्भ्रमित कर दिए हैं आप लोग, कौन किसको वोट देगा नहीं लग रहा कि आम जनता के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर दी आप लोग सब? बिल्कुल सही बात है, मगर इस वक्त समाज के, रघुनाथपुर के तमाम लोगों को, मतदाताओं से मैं अपील करता हूँ कि सही व्यक्ति को चुने जो माँ बहन बेटी बहू सबका मुखिया के सामने जाने में हिचकिचाहट ना हो और सही से अपना काम, अपना अधिकार को, जो अपना हक को मांगने में उसको दिक्कत ना हो। इससे पहले वाले मुखिया साहब खुश नहीं थे? इससे पहले वाला मुखिया से नहीं, घुमाइए मत, हमको एक स्पष्ट बोलिए एकदम, जब आप राजनीति में उतरे तो कटाक्ष बोलने वाली बात करिए, आप खुश थे कि या नहीं थे? नहीं, खुश नहीं थे। खुश नहीं थे तो जितना बात नेता से आप खुश नहीं होइएगा तो बार बार इसके बाद आप विधायक खड़ा हो जाएगा, फिर सांसद खड़ा हो जाएगा ही ना आपका मैटर? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। समाज में हम बहुत महसूस किए कि लोग मुखिया के पास चक्कर लगा रहा, दौड़ रहा है। कौन सा समस्या जो मुखिया जी नहीं किया आपके, एकदम एक समस्या खुले मंच पर कहिए, इस खुले मंच के प्लेटफॉर्म पर सब आदमी आपको जानेगा कि आपने विरोध किया है निवर्तमान मुखिया का, कौन सा काम आपके यहाँ नहीं हुआ? बहुत सारा काम है, जैसे पेंशन का काम है, इंदिरा आवास का काम है, शिक्षा का भी कोई जोर नहीं है कि जो हमारा रघुनाथपुर का एक एक वार्ड में आप पता कर सकते हैं कि क्या आवास बना ना है आपके यहाँ? आवास बिल्कुल कम बना है। बना है ना? बहुत कम बना। मुखिया जी आप बनने के बाद लगातार आप समस्याओं के बीच में उलझे रहेंगे, कैसे इकराम जी कैसे विश्वास दिलाएंगे यहाँ के लोगों को? 4,000 वोटर के दिल में जगह बनाना है आपको। बिल्कुल सही बात है, जगह बनाने के लिए हम खड़ा हुए हैं और जगह बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। बड़ा एक काम बताइए जो आप करने जा रहे हैं, आपका ब्लू प्रिंट क्या है अगले 7 दिन के अंदर? समाज के लिए जो मैं सोचा हूँ वो करने के लिए, पूरा रघुनाथपुर के जो हमसे उम्मीद रखा है, जनता जो हमको चुनेगा, उसके बाद हम नहीं, यहाँ अगर हो सके तो हम ब्लॉक स्तर में अगर धरना देना पड़े तो हम धरना देना पड़े। कि झूठ नहीं बोलिएगा, हम बहुत, हम तो पूछेंगे कि सेगमेंट से हम ही मिलेंगे उसी जगह पे आपको फिर? नहीं बिल्कुल, आपका हम स्वागत करेंगे और जब आप काम करेंगे जी बिल्कुल एकदम जनता के लिए करेंगे, जनता के लिए करेंगे। प्रधानमंत्री आवास पर आपका नज़र होगा? पूरा नजर रहेगा। सब 20,000 के साथ होगा कि बिना 20,000 के साथ? बिना 20,000 के साथ। पक्का? पक्का। अच्छा एक बात बताइए, मुखिया जी लोग अक्सर देखा जाता है योजना को जब अपने गांव में लाते हैं तो बोला जाता है कि चेहरा देखकर अपने ठेकेदार लोगों को दे देते हैं, बात सही है क्या? बिल्कुल सही बात। आपके पंचायत में भी था? बिल्कुल एकदम है, बिल्कुल। विरोध कभी किए थे आप बताइए श्रीमान? बिकेंगे वोटर क्या? हमको तो ऐसा उम्मीद नहीं है। आपके वोटर शिक्षित हैं? हाँ बिल्कुल। पूरा 4,000 जनता के लिए अब आप अपील करिए, एकदम अपील करिए खुले मन से, आप क्या कहने जा रहे हैं 4,000 जनता को? 4,000 जनता से मैं अपील करता हूँ, पूरा रघुनाथपुर, माँ बहन भाई दोस्त सबसे मैं अपील करता हूँ कि खुलकर सामने आए, किसी प्रत्याशी से डरे नहीं, कोई दबंगता नहीं, कोई दारू मुर्गा या पैसा का लालच नहीं करे, इसलिए कि आज जो है हम लोग समाज में हर वक्त जो है हम लोग गलती करते हैं, और गलती करते हैं क्या कि सांप को अगर हम दूध पिलाएंगे उसका फन है, उसका सिर्फ काम है कि उसको डसना, उसके सांप का काम है डसना, और हम सांप ही को दूध पिलाते हैं,
और हमारा रघुनाथपुर के वासी से बहुत दो बार गलती हो चुका है कि सांप को हम लोग दूध पिलाए हैं और जनता दूध पिलाने के बाद जनता को वो डसा है। भी आप जीते या हारें मुझे ही पता नहीं कि आपके साथ होने वाला क्या है, वोटर की सौ झुकेगी। मैं एक चीज़ जानता हूं कि आपके जीत में भी आपको जनता के साथ खड़ा होना है और आपके हार में भी आपको जनता के साथ खड़ा है होना है। क्यों खड़ा होना है? क्योंकि आप जन प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं। जनता का प्रतिनिधि का मतलब यह नहीं है कि जीत का जब ताज हमारे सर पर है तो हम आपके हैं साथ, हम साथ साथ हैं, और हार गए तो आप बोलिएगा हम आपके हैं कौन। तो डंके की चोट पर आकर मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, हम तो पूछेंगे, मैंने अपना काम कर दिया रघुनाथ पंचायत के लोगों का, अब काम है कि अपने पंचायत को आपको सजाना है, संवारना है या आगे बढ़ाना है, यह आपकी बारी है, वोट आपका है, निर्णय आपका है। अगर आप बिक गए तो 5 साल तक आप बोलने के लायक